हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राहुल के वीडियोस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि IGR महाराष्ट्र की साइट पे रेंट एग्रीमेंट का बायोमेट्रिक करते वक्त जो फोटो कैप्चर का प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम अभी फिक्स कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये फ्लैश प्लेयर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो अभी वीडियो में जो आपके सामने पेज ओपन है वो पेज आपको ओपन करना है आपके क्रोम ब्राउज़र में। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, स्टेप वन में जो लिंक है वो आपके क्रोम ब्राउज़र में ओपन कीजिए। लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। वहाँ पे वेबसाइट टू सपोर्ट फ्लैश प्लेयर वो ऑप्शन है, वहाँ पे आपको IGR महाराष्ट्र का जो साइट है उसका सिर्फ डोमेन एंटर करना है विदाउट HTTP और WWW के सिवा। तो मैं IGR का साइट ओपन करता हूँ एग्रीमेंट का। तो इस ई रजिस्ट्रेशन के साइट पे आने के बाद आपको ऊपर एड्रेस बार में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे HTTPS लिखा है, वहाँ ऊपर का आपको लिंक कॉपी करना है डबल क्लिक करके। उसके बाद आपको फिर से फ्लैश प्लेयर के पेज पे आना है, वहाँ पे होस्ट नेम के सामने जो बॉक्स है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और उसके आगे का जो भी है वो निकाल दीजिए, सिर्फ gov.in वहाँ तक रखना है और पीछे से https://www जो भी है वो निकाल के देना है। आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं उतना ही रखना है आपको और आपको जनरेट कॉन्फिग्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको आपको कीप करना है। कीप करने के बाद आपको देखना है कि वो फाइल कहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, शायद वो आपके डाउनलोड्स फोल्डर में जा चुकी होगी। तो मैं उस फाइल को शो इन फोल्डर करके देखता हूँ आप फाइल कहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो .cfg वाली फाइल दो नंबर की, वो आपको फाइल आगे लगेगी, वो आपको याद रखना है कहाँ पे है। आप ये विंडो क्लोज कर सकते हो। फिर से आपके फ्लैश प्लेयर के पेज पे आने के बाद यहाँ से आपको कुछ रूट डायरेक्टरी जो है वो कॉपी करना है। आपका पीसी का जो वर्जन है 64-bit या फिर 32-bit उसके हिसाब से आपको ये कोड्स कॉपी करने हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप विंडोज़ 10 के नीचे यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ कोड 64-bit का, वो आपको ऐसे ही कॉपी करना है। आपका अगर कंप्यूटर 64 है तो 64 या फिर 32 का। उसके बाद आपको माई कंप्यूटर में जाना है, वहाँ पर जाने के बाद आपको सी ड्राइव में जाना है। मैं मैक्सिमाइज करता हूँ तो हम चलेंगे सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद जो आप ऊपर जो एड्रेस बार है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, वहाँ पे जो कोड आपने कॉपी किया था वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एंटर कर दीजिए। एंटर के बाद एक फ्लैश प्लेयर का फोल्डर ओपन हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि जो शुरू में हमने फाइल डाउनलोड की थी .cfg वाली वो आपको कॉपी करनी है या फिर कट कर सकते हैं आप कंट्रोल एक्स करके या फिर कंट्रोल सी करके। तो कॉपी करने के बाद आपको वो फाइल यहाँ पे पेस्ट करनी है। मैं कंट्रोल वी करता हूँ पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कंटिन्यू को क्लिक कीजिए और पूरी फाइल प्रोसेस होने तक थोड़ा वेट कीजिए। तो जैसे ही फाइल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी बस आपको रिफ्रेश कर देना है। तो इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ और आपको डायरेक्टली अपने इंटरनेट एक्सप्लोर ब्राउज़र पर ई फिलिंग जो ई रजिस्ट्रेशन का साइट है एग्रीमेंट करते हम उसको जाना है होम पेज पर और अपना टोकन लॉगिन करके आपको एग्जीक्यूट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे एक कैप्चर थम और फोटो की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको जिसका बायोमेट्रिक करना है उसके नाम को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको अलो करना है। यहाँ पे अलो करने के बाद आपका अगर कैमरा नहीं ओपन हो रहा है या फिर ओपन भी होता है तो आपको एक बार राइट क्लिक करना है वहाँ पर ब्लैंक में और जो यहाँ पर सेटिंग्स है वहाँ पर जाके आपको यहाँ पे आलो है कि नहीं देखना है। हर चीज़ हर एक ऑप्शन में जाके आप देख सकते हो चेक है या अनचेक। अगर पहले से है तो कुछ मत कीजिए, जो भी है वैसा ही रहने दीजिए। तो उसके बाद फिर से ये विंडो क्लोज कर दीजिए। अभी आप फोटो और थंब कैप्चर करके देख सकते हो प्रॉपर से होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस से आपका फ्लैश प्लेयर का जो भी इशू है बायोमेट्रिक या फिर फोटो कैप्चर का वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस साइट के रिलेटेड या फिर एग्रीमेंट के रिलेटेड या फिर आपके डिवाइस में कोई एरर बता रहा हो, कोई भी इशू है तो आप बेशक हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं जितना हो सके आपकी हेल्प करता रहूँगा। और आगे के वीडियो अपडेट्स के लिए आपको राहुल के वीडियोज़ को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स। We'll be right back.